चौरसिया और आज हम प्रिंस विलियम पियार्ट के क्लास सेवेंथ का मैथ्स का सॉल्यूशन देखने वाले हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला सवाल है कि सिक्स्थ प्लेस फ्रॉम दी राइट हैंड साइड इन द प्लेस वैल्यू चार्ट इज, ठीक है, तो सिक्स्थ प्लेस को क्या बोला जाएगा। तो पहले बना लेते हैं, ये एक फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स, ये सिक्स्थ प्लेस हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर ये वाला प्लेस को क्या बोला जाएगा, तो ये वंस प्लेस हो गया, ये टेंथ प्लेस हो गया, ये हंड्रेड प्लेस हो गया, ये थाउजेंड प्लेस हो गया, ये टेन थाउजेंड हो गया और ये वन लाख वाला प्लेस हो गया। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 1 लाख, ठीक है। अगला सवाल है क्या, 10 मिलियन इज इक्वल टू हाउ मेनी करोड़। तो 10 मिलियन यानी कि 10 और 1 मिलियन में हमें पता है कि 10 लाख्स होते हैं, तो 1 मिलियन को मैं ऐसे लिख पाऊंगा 10 लाख्स में, इसमें इतने जीरो आ जाएंगे। तो अगर मैं इसको टोटल मल्टीप्लाई करूँ तो ये क्या आ जाएगा, यहाँ पर 1 के बाद कितने जीरो आ जाएंगे, यहाँ पर तो 6 जीरो है और ये 1 7 जीरो, 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 जीरो आ जाएंगे टोटल, ठीक है। तो ये कितना हो गया, वंस इकाई दाई सैकड़ा हज़ार 10 हज़ार लाख 10 लाख करोड़, तो यहाँ पर ये क्या आ जाएगा, 1 करोड़ आ जाएगा, ठीक है। तो दिस इज़ 1 करोड़, तो इसका आंसर कितना हो गया, किचा पूछा कितने करोड़ आएंगे, तो इसके आंसर कितना आ जाएगा, बॉम्बे विच इज़ 1 करोड़, ठीक है। अगला सवाल क्या है, यहाँ पर अगला सवाल दे रखा है 53, क्या 1 kg इक्वल्स टू हाउ मेनी मिलीग्राम, ठीक है। तो 1 kg और कितना मिलीग्राम होता है, तो यहाँ पर 1 kg को क्या लिख सकता हूँ मैं, कि 1 kg इज़ नथिंग बट 1000 ग्राम, 1 kg इज़ नथिंग बट 1000 ग्राम, और 1 ग्राम को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1000 मिलीग्राम, तो ये 1000 मिलीग्राम हो जाएगा। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 1 के बाद कितना जीरो आ जाएगा, 3 और 3 6, यानी कि 10 की पावर 6 मिलीग्राम आ जाएगा। तो यहाँ पर 1 के बाद 6 जीरो आ जाएगा, तो कौन सा ऑप्शन मैच कर जाएगा, ऑप्शन सी मैच कर जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। तो 53 का सी आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल क्या है कि द डिफरेंस बिटवीन द लार्जेस्ट 7 डिजिट नंबर विद द स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर, ठीक है। तो करते हैं, द डिफरेंस बिटवीन द लार्जेस्ट 7 डिजिट नंबर, लार्जेस्ट 7 डिजिट नंबर क्या होगा, 7 बार 9 लिख दो, 4 5 6 7, ये लिख दिया, और विद द स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर, 5 डिजिट नंबर का सबसे छोटा 5 डिजिट क्या होगा, 5 डिजिट नंबर क्या होगा, 1 के बाद 4 जीरो लिख दो, ये हो गया, और इनका डिफरेंस चाहिए तुमको, तो ये डिफरेंस कितना आ जाएगा, 9 9 9 9 और 8 आ जाएगा, ये 9 और 9, तो आ जाएगा 9 9 9, उसके बाद 4 9, तो कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, 9 9 8 उसके बाद 4, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा, ठीक है। तो इसका 54 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए, ओके। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल क्या है कि क्वेश्चन नंबर 55 क्या पूछ रखा है, लार्जेस्ट होल नंबर इज, तो लार्जेस्ट होल नंबर ऑप्शन में अगर देखें तो ऑप्शन में क्या है, ए ऑप्शन है 1000 10 100 और डज नॉट एग्जिस्ट। तो ऑब्वियसली यहाँ पर ऑप्शन में डज नॉट एग्जिस्ट है, तो लार्जेस्ट जो होल नंबर है वो एग्जिस्ट नहीं करता है, तो इसमें हमारा आंसर क्या हो जाएगा, लार्जेस्ट होल नंबर का डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। तो इसमें 55 का आंसर डी हो जाएगा। 56 में क्या पूछा है, इन द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ नंबर्स विच स्टेट विच नंबर इज ग्रेटेस्ट, इन 4 नंबर में सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, तो कंपेयर कर लो, लेफ्ट हैंड साइड से देख लो, तो ये 8 7 6 5 1 2 ये पहला नंबर है, फिर 8 6 5 9 9 8 ये दूसरा नंबर है, 8 7 6 5 2 1 ये तीसरा नंबर है, और 8 7 6 5 9 0 ये चौथा नंबर है। तो यहाँ पर देख लो, लेफ्ट हैंड साइड से पहला डिजिट 8 8 सबका सेम ही है, तो पहला डिजिट से तो पता नहीं लग पाएगा कि कौन सा नंबर बड़ा है। फिर दूसरे डिजिट की ओर तरफ बढ़ते हैं, तो दूसरा डिजिट देखो, यहाँ पे दूसरे नंबर में 6 है और बाकी सब में 7 7 है, तो ये तो बड़ा नंबर नहीं हो सकता बाकी चारों में, ठीक है। तो इसको हटा दिया, अब बाकी में अगर तुम देखो तो बाकी में 8 7 6 5 और 8 7 6 5 और 8 7 6 5 पहले के 4 डिजिट क्या हैं, बराबर है। तो इन तीनों नंबर्स में पहले 4 डिजिट क्या हैं, बराबर है, तो यहाँ से भी पता नहीं लग पाएगा कि कौन सा नंबर बड़ा है। इसके बाद वाला देखो, इसके बाद वाला डिजिट देख लो, इसके बाद वाले डिजिट में यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 9 है, तो इसमें तीनों नंबर में सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, इन तीनों डिजिट में 9, तो ये वाला हमारा जो नंबर हो जाएगा वो बड़ा हो जाएगा, यानी कि 8 7 6 5 9 0, यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी है, तो वही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है, ओके। अगला सवाल क्या है, द प्रोडक्ट ऑफ 57 × 61 × 74, तो इनका प्रोडक्ट इससे सिंपली मल्टीप्लाई कर लो, 57 को 61 से मल्टीप्लाई करो और जो आएगा उसको 74 से मल्टीप्लाई कर लो, तो जो आंसर आएगा वो तुम्हारा यहाँ पर ये जो ए ऑप्शन है 257 298 ये वाला ऑप्शन आ जाएगा। मल्टीप्लाई तो कर ही सकते हो, उसको आराम से मल्टीप्लाई कर लो, तो ए ऑप्शन तुम्हारा आंसर आ जाएगा, ओके। नाउ
लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. अगला सवाल क्या है कि विच होल नंबर ए सेटिस्फाई द रिलेशन ए प्लस ए इज इक्वल्स टू ए. मतलब कौन सा होल नंबर ए प्लस ए इज इक्वल्स टू ए को सेटिस्फाई कर रहा है. तो अगर तुम ए ऑप्शन देखोगे तो क्या ये फाइव है, तो ये तो सेटिस्फाई नहीं करेगा क्योंकि पाँच में पाँच जोड़ेंगे तो पाँच तो नहीं आएगा. ठीक है, वैसे ही सेवन भी नहीं होगा और वन भी नहीं होगा. सिंपली क्या आ जाएगा, वन जीरो हो जाएगा क्योंकि जीरो में अगर तुम जीरो जोड़ोगे तो क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा. तो ये वाला 58 का आंसर क्या हो जाएगा, डी. ठीक है, अगला सवाल क्या है 59 में क्या बोला है कि a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए, विच प्रॉपर्टी इज इट. तो ये जो प्रॉपर्टी है a प्लस बी और b प्लस ए, ये बेसिकली कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होता है ओवर एडिशन. तो ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ओवर एडिशन है, यानी कि इसमें ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी. a में b जोड़ो या फिर b में a जोड़ो, दोनों एक ही बात है. सो दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी. तो 59 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी. अगला सवाल क्या है, क्वेश्चन नंबर 60, द सम ऑफ टू इवन नंबर. दो इवन नंबर का सम क्या होगा, वो इवन ही आएगा ऑफ कोर्स. तो दो इवन नंबर का सम विल बी इवन. तो 60 का बॉम्बे आंसर आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन बी. ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं. अगला सवाल क्या है, अगला सवाल है कि क्वेश्चन नंबर 61, ये क्या बोल रहा है कि नंबर्स विच आर डिविजिबल बाई टू आर कॉल्ड. जो नंबर दो से डिवाइड हो जाए उन नंबर्स को क्या बोलते हैं, इवन नंबर बोलते हैं. और जो नंबर टू से डिविजिबल ना हो, डिवाइड ना हो, उसको ऑड नंबर बोलते हैं. तो यहाँ पर क्या बोला है, जो नंबर दो से डिविजिबल है उनको क्या बोलेंगे, तो उनको हम क्या बोलेंगे, इवन नंबर्स. तो 61 का ऑप्शन क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा. ओके, अगला सवाल क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट टू डिजिट मल्टीपल ऑफ 17. 17 का सबसे छोटा टू डिजिट मल्टीपल क्या है. तो यहाँ पर ऑप्शन वन देखो क्या लिख रखा है, 85. तो ये क्या है, 17 इंटू 5 है. 41 तो 17 का मल्टीपल ही नहीं है, ये तो आंसर ही में नहीं आएगा, हटाओ इसको. 50 भी नहीं आएगा. और यहाँ पर 68 है, 68 को क्या लिख सकते हैं, 17 इंटू 4. तो इन दोनों में सबसे छोटा मल्टीपल क्या दे रखा है यहाँ पर, ये 17 इंटू 4. तो यानी कि हमारा ऑप्शन डी ही क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा. ठीक है, तो 62 का आंसर क्या हो जाएगा, डी. ओके, नाउ आगे बढ़ते हैं. अगला सवाल है हमारा क्वेश्चन नंबर 63. 63 में क्या बोल रखा है कि 63 में बोल रखा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्राइम नंबर. इनमें से कौन सा प्राइम नंबर नहीं है, तो देख लिया 37 प्राइम नंबर है, बिल्कुल है. 76 को क्या लिख सकते हो, 2 into 38 लिख सकते हो. और 38 को फिर से ब्रेक कर सकते हो 2 into 19 में. तो जो 76 है उसके दो से ज़्यादा फैक्टर आ रहे हैं, दो से ज़्यादा अगर फैक्टर आ रहे हैं तो इसका मतलब क्या है कि ये प्राइम नंबर तो नहीं हो सकता. इसका मतलब इसका जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन आ जाएगा. ठीक है, तो 63 का ऑप्शन नंबर बी आंसर होगा. ठीक है, ओके, अगला सवाल क्या है, द एडिटिव इनवर्स ऑफ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -7/11. ठीक है, तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का एडिटिव इनवर्स. तो सबसे पहले मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालो. मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है, नंबर का रेसिप्रोकल. तो -7 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, 11/-7. ये तो हो गया -7/11 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स. और इसका एडिटिव इनवर्स, एडिटिव इनवर्स मतलब नंबर का नेगेटिव. तो आगे माइनस लगा दिया, तो ये वाला माइनस और ये वाला माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा, 11/7. तो इसमें कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर ए. तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए. ठीक है, ओके, नाउ अगला सवाल है हमारा 67. क्वेश्चन नंबर क्या है, -1 की पावर ऑड नंबर क्या होगा. ये ऑब्वियसली -1 की पावर ऑड नंबर यही आएगा हमारे पास. -1 की पावर हमेशा क्या आएगा, -1 आएगा. क्योंकि -1 का अगर तुम पेयर करोगे -1 into -1 ऐसे करते करते -1, तो ऑड नंबर है. ऑड की वजह से क्या होगा, वो 2 से डिविजिबल नहीं होगा. 2 से डिविजिबल नहीं होगा तो रिमाइंडर 1 आ जाएगा. यानी कि दो दो का पेयर बनेगा तो वो क्या हो जाएगा, -1 into -1 बन जाएगा. और लास्ट में एक -1 बच जाएगा, और जिसकी वजह से आंसर कितना आ जाएगा, -1. ठीक है, तो -1 की पावर ऑड नंबर क्या आ जाएगा, -1. तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 67 का सी. अगला सवाल है हमारे पास -3 की पावर 4 into -3 की पावर 10 इज इक्वल टू -3 की पावर क्वेश्चन मार्क. तो जैसे ये दिखा, तो ये एक पावर्स एंड एक्सपोनेंट्स का सवाल है. तो इसमें क्या हो जाएगा कि -3 की पावर अगर बेस सेम है और दोनों जो पावर से वो मल्टीप्लाई हो रखा है, तो पावर ऐड हो जाता है, हो जाएगा 4+10. और ये हो जाएगा -3 की पावर क्या दे रखा है यहाँ पर, क्वेश्चन मार्क. तो ये हो जाएगा -3 की पावर 14. और ये हो जाएगा -3 की पावर क्वेश्चन मार्क. ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि दोनों, ये दोनों जो नंबर से वो बराबर हैं और इनका दोनों का बेस सेम है, तो पावर भी क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए. तो यहाँ से जो पूछा गया था क्वेश्चन मार्क का वैल्यू, वो कितना आ जाएगा, 14 आ जाएगा. तो यहाँ पर ये जो क्वेश्चन मार्क पूछा गया था उसका क्या आ जाएगा आंसर, 14. तो 68 का आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास, ए आ जाएगा. ठीक है, ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. अगला सवाल है हमारा क्वेश्चन नंबर 69, जो कि क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि 27/0 ये क्या होगा. तो 27/0, तो किसी भी नंबर को अगर मैंने जीरो से डिवाइड किया तो ये होती है नॉट डिफाइंड. ये डिफाइन ही नहीं है. ठीक है, ये डिफाइन ही नहीं है.
इसको डिफाइन नहीं कर सकते, पर अगर मेरे पास 0/27 होता तो इसका आंसर 0 आता, ये बिल्कुल सही है। लेकिन किसी भी नॉन जीरो नंबर को अगर मैंने 0 से डिवाइड कर दिया तो वो क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइन हो जाएगा। किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड नहीं कर सकते क्योंकि वो डिफाइन ही नहीं है, ठीक है, उसको कुछ लिख नहीं सकते। तो इसीलिए इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ओके, तो 69 हो गया हमारा। तो आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल क्या है, क्वेश्चन नंबर 70 में क्या बोल रखा है कि 35/17 इज एन एग्जांपल ऑफ, ये किसका एग्जांपल है, प्रॉपर फ्रैक्शन है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, मिक्स फ्रैक्शन है या फिर क्या है। तो ये 35/17 क्या है, इसका न्यूमरेटर अगर मैं देखूँ तो 35 है और डिनोमीटर कितना है, 17 है। तो न्यूमरेटर ज़्यादा है, डिनोमीटर छोटा है, तो जिसका फ्रैक्शन का न्यूमरेटर ज़्यादा होता है, डिनोमीटर छोटा होता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, दिस इज इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, सिंपली बी आ जाएगा। ठीक है, अगला सवाल क्या बोल रखा है कि इफ़ ए इज एनी नॉन जीरो इंटीजर देन ए की पावर 0 इज, तो फिर से बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। पावर्स एंड एक्सपोनेंट्स में हम पढ़ते हैं कि किसी भी रियल नंबर की पावर 0 अगर वो 0 नहीं है तो वो क्या हो जाएगा, ए की पावर इज नथिंग बट 1। ठीक है, तो यहाँ पर भी इसका सीधा सीधा आंसर कितना हो जाएगा, 1, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर 72 में क्या बोल रखा है कि 343 लास्ट में 40 है इन स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब क्या होता है कि उस नंबर को मुझे 1 और 10 के बीच में लिखना है और 10 की पावर में लिखना है। ठीक है, तो 343 और लास्ट में 40 है तो उसको मैंने लिखा 10^4, लेकिन ये जो नंबर है ये 1 और 10 के बीच में नहीं है, तो इसको 1 और 10 के बीच में लाने के लिए क्या किया, इसको 100 से डिवाइड कर दिया। तो 100 से डिवाइड कर देंगे तो लास्ट से दो डिजिट के बाद पॉइंट आएगा, यानी कि 3.43 आएगा। अगर इसको 100 से डिवाइड किया तो 100 से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, तो यहाँ पर ऑलरेडी 10^4 था और इसको अगर मैंने 100 से और मल्टीप्लाई कर दिया, यानी कि 20 और ऐड हो जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, 10^6 बन जाएगा। तो यहाँ से हमारा जो स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या आ जाएगा, 3.43 और 10^6, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, ओके, अगला सवाल क्या है कि द सिंबल हैविंग ए फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यू इज कॉल्ड, एक ऐसा सिंबल जिसका फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यू हो उसको हम क्या बोलते हैं, ऑफकोर्स उसको हम बोलेंगे कांस्टेंट बोलते हैं। ठीक है, जिसका वैल्यू चेंज होता रहे उसको तो वेरिएबल बोलते हैं, और जिसका फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यू है उसको क्या बोलते हैं, कांस्टेंट। तो इस 73 का आंसर क्या हो जाएगा, आगरा। ठीक है, ओके, नाउ अगला सवाल क्या है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 74, इसमें क्या बोला है कि चूज द करेक्ट टर्म फॉर द गिवन एक्सप्रेशन। ये हमारे पास जो एक्सप्रेशन दे रखा है a^4 + a³ ये, तो उसको क्या बोलेंगे, मोनोमियल बोलेंगे या बायनोमियल बोलेंगे या ट्राइनोमियल बोलेंगे या पॉलीनोमियल बोलेंगे। तो ऑफकोर्स अगर तुम देखो तो यहाँ पर इस एक्सप्रेशन में कितने टर्म्स दे रखे हैं, 5 टर्म दे रखे हैं। अगर एक टर्म होता तो उसको मोनोमियल बोल देते हैं, 2 टर्म होने से उसको बायनोमियल बोल देते हैं, 3 टर्म होता तो उसको ट्राइनोमियल बोल देते हैं, पर फिर 5 टर्म है तो उसको क्या बोल दिया, पॉलीनोमियल बोल दिया। तो यहाँ पर पॉलीनोमियल क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो 74 का ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। अगला सवाल क्या है, व्हाट विल बी द एक्सप्रेशन फॉर थ्राइस एक्स डिक्रीज्ड बाय वाई, यानी कि एक्स का तीन गुना को वाई से घटा दिया, मतलब माइनस वाई कर दिया, तो ये हमारा एक्सप्रेशन हो जाएगा, यानी कि 3x - y। तो इसमें कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, ये ऑप्शन नंबर बी। तो हमारा इस 75 का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ओके, नाउ अगला सवाल है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 76, जो कि वही एक्सपोनेंट एंड पावर से रिलेटेड है। तो यहाँ पे क्या दे रखा है कि ये सब वो सब दे रखा है -2/3। तो यहाँ पर सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं, इसका मतलब क्या है, पावर की पावर मल्टीप्लाई होती है, तो ये बेसिकली हो जाएगा -2/3 और -2 × 3 विल बी -6। और यहाँ पर ये क्या लिखा हुआ है, 1/-3^-4 × 3^-1 × 1/6 ऐसा लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये बेसिकली क्या होगा कि इसको रेसिप्रोकल ले लिया, नंबर का रेसिप्रोकल लेने से जो पावर होता है वो उसका साइन चेंज हो जाता है। तो यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं -3/2 × 6, और यहाँ पर भी रेसिप्रोकल ले लिया तो हो जाएगा 3^4 और × 3^-1। पावर अगर -1 है तो वो नंबर खुद में क्या होता है, रेसिप्रोकल होता है, तो ये हो जाएगा 1/3 और ये हो जाएगा 1/6। तो यहाँ पर ये कितना आ जाएगा, यहाँ पर देखो -3/2 × 6, ये पावर इवन है, तो जब इसको ओपन करेंगे तो माइनस की पावर इवन वो प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पर सिंपली आ जाएगा 3^6/2 ऐसे अलग अलग कर लिया, ये हो जाएगा 3^4 × 1/3 × 1 क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो यहाँ पर इसको कैलकुलेट कर लो, ये 3 और यहाँ पर पावर 4 कैंसिल होगा तो ये 3 आएगा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 3^9 ऊपर में, तो 3^9 हो जाएगा। बेस सेम है, पावर मल्टीप्लाई हो रहा है, और नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो पावर्स ऐड हो जाएंगे, और डिनोमीटर में यहाँ पर एक 6 बच जाएगा और 2^6 बच जाएगा, तो ये आ जाएगा 3^9 × 6 × 2^6, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारा आंसर हो जाएगा। तो इसमें से 76 का ऑप्शन ए सही आंसर है। ठीक है, ओके, नाउ अगला सवाल क्या है, क्वेश्चन नंबर 77 में क्या बोला है कि सिंप्लीफाई एंड टिक द करेक्ट आंसर।
एक्स की पावर 4 प्लस 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस ये सब वो सब, ठीक है। यहाँ पर ये वाई की पावर 4 होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर और क्या दे रखा है, ठीक है, इसको सिंप्लीफाई कर लिया। तो जब सिंप्लीफाई करोगे तो ये हो जाएगा एक्स की पावर 4 प्लस 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस वाई की पावर 4, और माइनस ब्रैकेट ओपन होगा तो माइनस एक्स की पावर 4 आएगा, ठीक है। और यहाँ पर आ जाएगा प्लस, माइनस मल्टीप्लाई होगा तो 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर, और यहाँ पर आ जाएगा माइनस वाई की पावर 4, ठीक है, ये वाई की पावर 4 होगा। तो यहाँ से एक्स की पावर 4 और एक्स की पावर 4 कैंसिल हो जाएगा, और फिर यहाँ पे ये वाई की पावर 4 और वाई की पावर 4 कैंसिल होगा, तो 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर कितना आ जाएगा, 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, यहाँ पर ऑप्शन नंबर आ जाएगा, अच्छा यहाँ पर ऑप्शन नंबर में देखो, यहाँ पर ए में एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर लिखा है, यहाँ पर 4 कर लेना, ठीक है ना, 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर, थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक है। तो इसमें जो ऑप्शन आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। तो आंसर विल बी 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर। ओके, नाउ इसी में अगला सवाल क्या है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 78 में, चूज द करेक्ट ऑप्शन फॉर फॉलोइंग एक्सप्रेशन। इसमें क्या दे रखा है, ए स्क्वायर प्लस बी सी प्लस ए स्क्वायर माइनस बी सी। तो इसमें सॉल्व कर लेना, तो इसमें कुछ नहीं करना है, बीच में प्लस है तो नंबर्स एज इट इज आ जाएंगे। तो यहाँ पर क्या होगा कि बी सी से बी सी कैंसिल हो जाएगा, और ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर क्या आ जाएगा, 2 ए स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन सिंपली क्या है, ऑप्शन नंबर ए विच इज 2 ए स्क्वायर, ठीक है। और फिर अगला क्या है, क्वेश्चन नंबर 79, ए इंटू बी प्लस सी इज इक्वल टू ए बी प्लस ए सी, विच प्रॉपर्टी इट इज, ये कौन सी प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो ए इंटू बी प्लस सी ये है, ए इंटू बी प्लस सी, और ये क्या लिखा हुआ है, ए बी प्लस ए सी। तो ये बेसिकली तुम देखो कि ए जो है इससे मल्टीप्लाई हो गया और ए सी से मल्टीप्लाई हो गया, तो बेसिकली क्या हो गया, ए बट गया है, यानी कि ये हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है ओवर एडिशन। तो सिंपली ये क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ये तो ओरली सवाल करने वाला था, 79 का ऑप्शन क्या आ जाएगा, सी, ठीक। फिर अगला सवाल क्या बोल रखा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रैशनल नंबर डज नॉट लाई बिटवीन, ये दो रैशनल नंबर दे रखे हैं, और यहाँ पर हमारे पास चार ऑप्शन है, और इसमें पूछ रखा है कि इन चार ऑप्शन में से इन दो रैशनल्स के बीच में कौन सा रैशनल नंबर लाई नहीं कर रहा है। तो जो माइनस 3/7 है, और यहाँ पर क्या है माइनस का 5/9, इन दोनों के डिनोमिनेटर में क्या है, 7 और 9, पहले तो डिनोमिनेटर को बराबर बनाया, तो इन दोनों के एलसीएम ले लिया, तो 7 और 9 के एलसीएम कितना हो जाएगा, 63। तो इसको क्या किया, 9 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो इसको 9 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, इसको 7 से मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ेगा, तो इसको 7 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, तो ये कितना बन जाएगा, माइनस का 27 अपॉन 63, और यहाँ पर कितना आ जाएगा, माइनस का 35 अपॉन 63, ठीक है। तो अब इन दोनों में कौन सा नंबर बड़ा होगा, ऑब्वियसली इन दोनों में ये वाला नंबर बड़ा होगा, क्योंकि नंबर्स नेगेटिव है, तो डिनोमिनेटर अगर सेम है तो जिसका न्यूमिनेटर छोटा होगा वो नंबर बड़ा होगा, यानी कि नंबर लाइन में माइनस 27 अपॉन 63 नंबर राइट में आएगा, और माइनस 35 अपॉन 63 जो है वो लेफ्ट में आएगा, ठीक है। अच्छा अब तुम देख लो, यहाँ पर जो ऑप्शन दे रखे हैं उनके ऑप्शन में डिनोमिनेटर में 63 नहीं है, तो कंपेयर करने के लिए क्या सही तरीका रहेगा, बेस्ट तरीका, कि डिनोमिनेटर में हर नंबर के क्या बना लो, 63 बना लो। तो पहला जो ऑप्शन है माइनस 11 अपॉन 21, उसके डिनोमिनेटर में 21 को 63 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, माइनस 11 और अपॉन क्या आ जाएगा 21, और इसको 63 बनाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ेगा, तो ये अपने बनेगा माइनस 33 अपॉन 63, तो ये तो बनेगा माइनस 33 अपॉन 63। इसमें भी तुमको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3 से मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे तो बनेगा माइनस का 30 अपॉन 63, और ये तो ऑलरेडी है ये डिनोमिनेटर में 63, तो इसको तो चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पर ये क्या है, इसको 9 से मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा माइनस का 36 अपॉन 63। तो अब देखो कि माइनस का 33 अपॉन 63 तो यहाँ पर आ जाएगा बीच में कहीं पे, माइनस का 30 भी यहाँ पर बीच में कहीं पे आ जाएगा, और ये वाला माइनस का 29 भी यहीं पे कहीं पे बीच में आ जाएगा, लेकिन ये जो ऑप्शन है माइनस का 36 अपॉन 63 वो जो है वो माइनस का 36 वो यहाँ पे कहीं पे आएगा, जो कि इन दोनों रैशनल नंबर के बीच में तो नहीं आएगा, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ओके, तो आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल हमारा जो क्वेश्चन नंबर 81 है वो क्या बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। तो यहाँ पर भी क्या है कि रैशनल नंबर्स को कंपेयर करना है, ठीक है। तो रैशनल नंबर को कंपेयर करने के लिए यहाँ पर देखो चार रैशनल नंबर है जिनके डिनोमिनेटर में 4, 3, 12 और 8 दे रखा है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, कोई भी दो रैशनल नंबर को उठा लिया, कंपेयर कर लिया कि कौन बड़ा होगा, जैसे मान लो माइनस 5/4 और माइनस का 2/3, इनको उठा लिया। अब अगर मैं देखूँ तो इनमें कौन बड़ा होगा, तुम ऐसे देखो कि दोनों नंबर नेगेटिव हैं, ठीक है, तो ऐसे चलो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, ऐसे ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया तो कितना बन जाएगा, माइनस का 15 और ये कितना बन जाएगा, माइनस का 8। तो कौन बड़ा है, ऑब्वियसली माइनस 8 बड़ा है, इसका मतलब ये वाला नंबर बड़ा आएगा, इसका मतलब है कि माइनस का
5 बाई 4 और माइनस का 2 बाई 3 में ये वाला नंबर बड़ा होगा, ठीक है। अच्छा अब ये माइनस 36 अपॉन 12 में देख लो, माइनस 36 अपॉन 12 में, अच्छा इसमें जैसे कंपेयर किया ना कि माइनस का 5 बाई 4 और लेस देन माइनस का 2 बाई 3 है, तो इसमें कौन कौन सा ऑप्शन सही जा रहा है देखो, माइनस 2 बाई 3 किस में बड़ा है, इसमें दे रखा है, और माइनस 2 बाई 3 बड़ा है किससे, ये वाला तो नहीं होगा क्योंकि इसमें माइनस 5 बाई 4 बड़ा बता रखा है, और ये वाला ऑप्शन हो सकता है, और यहाँ पर माइनस का 5 बाई 4 ये वाला ऑप्शन तो नहीं होगा क्योंकि इसमें माइनस का 5 बाई 4 को बड़ा बता रखा है माइनस का 2 बाई 3 से, तो दो ऑप्शन तो ऐसे ही कट गए। और तुम देख लो कि और कौन से दो रैशनल नंबर को कंपेयर करके एक ऑप्शन तो कट जाएगा, कौन कौन सा बच रहा है इसमें हमारे पास, ए और सी में, तो ए और सी में देख लो 7 बाई 8 और माइनस का 2 बाई 3, माइनस का 2 बाई 3 और इन दोनों में देख लो, माइनस माइनस 36 अपॉन 12 में और माइनस का 2 बाई 3 में, क्योंकि इसमें क्या है सी ऑप्शन में माइनस का 2 बाई 3 बड़ा दिखा रखा है और इसमें माइनस का 2 बाई 3 छोटा दिखा रखा है, तो इसमें और माइनस का 2 बाई 3 में कंपेयर कर लो, तो इसमें अगर कंपेयर करोगे तो ये बेसिकली क्या है कि फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो अगर कितना 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो माइनस का बनेगा 108 और यहाँ पर कितना बनेगा माइनस का 24 ये बन जाएगा। तो अब इसमें कौन बड़ा है, ऑब्वियसली ये वाला नंबर बड़ा है, इसका मतलब ये वाला नंबर बड़ा आएगा, ये वाला यानी माइनस 2 बाई 3 बड़ा होगा, इसका मतलब है कि यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन में माइनस 2 बाई 3 छोटा बना रखा है, यानी कि ये ऑप्शन भी गलत हो गया, तो बी और डी तो पहले ही कैंसिल हो चुके थे, अब ए भी कैंसिल हो गया, तो क्या बच गया, सी बच गया, तो इसका हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 81 का सी आ जाएगा, ठीक है। तो इसका 81 का ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर होगा। ओके तो आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है हमारा 82 में क्या बोल रखा है, माइनस ये भी एक्सपोनेंट एंड पावर का सवाल है, इसमें क्या बोल रखा है कि माइनस ये सब वो सब माइनस 7 की पावर x इंटू माइनस 1 बाई 7 की पावर माइनस का 3 और ये किसके बराबर दे रखा है 7 की पावर 8, तो यहाँ से क्या होगा, ये होगा माइनस 7 की पावर x इंटू नंबर का रेसिप्रोकल ले लिया तो पावर नेगेटिव से पॉजिटिव हो जाएगा, तो हो जाएगा माइनस 7 की पावर 3 इज इक्वल टू 7 की पावर 8, और 7 की पावर 8 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ माइनस 7 की पावर 8, क्यों, क्योंकि ये जो नंबर है माइनस जो है पावर इवन है, तो माइनस के पावर इवन अगर है तो माइनस ख़त्म हो जाएगा, तो 7 की पावर 8 को मैं माइनस 7 की पावर 8 भी लिख सकता हूँ, तो यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर देखो ये दोनों नंबर का जो बेस है वो सेम है, नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो पावर सिंपली क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, तो पावर एक में x है और दूसरे में 3 है, तो पावर विल बी x प्लस 3 और राइट हैंड साइड में क्या आ जाएगा माइनस 7 की पावर 8, तो दो एक्सपोनेंट बराबर हैं, उन दोनों का बेस बराबर है तो उनका पावर भी क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, तो x प्लस 3 शुड बी 8, तो यहाँ से x का वैल्यू कितना आ जाएगा 8 माइनस 3 विच इज़ 5, तो यहाँ से x का वैल्यू आ गया हमारे पास जो कि कितना है 5, तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर बी, ये हमारा आंसर हो गया इस सवाल का, ठीक है। ओके नाउ अगला सवाल क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर 83, इसमें क्या बोला है, सॉल्व फॉर p, ये एक इक्वेशन है लीनियर इक्वेशन, इसमें हमें सॉल्व करना है p के लिए, तो सिंपली क्या ले लिया, एलसीएम ले लिया, तो एलसीएम लेने पे क्या आ जाएगा 4p प्लस 3p और डिवाइडेड बाई 12 आ जाएगा और इज इक्वल टू 55 माइनस ये आ जाएगा p प्लस 40 अपॉन 5 ये आ जाएगा और फिर यहाँ पर यह आ जाएगा 7p अपॉन 12 इज इक्वल टू ये कितना आ जाएगा 55 इंटू 5 विल बी 525 और अच्छा चलो एक काम करते हैं 55 को यहीं रहने देते हैं और क्या था यहाँ पे 5 था और ये जो है पी को वाले टर्म को इधर ले आते हैं पी प्लस 40 अपॉन 5 और राइट हैंड साइड में क्या बच जाएगा 55 फिर से एलसीएम ले लिया तो अब एलसीएम कितना आ जाएगा 60 आ जाएगा यहाँ पर 5 ये हो जाएगा 35p और यहाँ पर आ जाएगा 12 तो 12p और 12p 480 और इस इक्वल टू कितना आ जाएगा ये 55 ऐसा आ जाएगा ठीक है तो यहाँ पर अब क्या किया इसको सॉल्व कर लिया तो 35 या 45 47 पी प्लस 480 और 60 को वहाँ पे राइट हैंड साइड में मल्टीप्लाई कर दिया तो कितना आ जाएगा 65 जो 10 तो आएगा ही आएगा और 65 जो 33 ठीक है तो यहाँ से 47p ये कितना आ जाएगा 3300 और उसमें से 480 घटाना पड़ेगा तो घटा दो कितना आ जाएगा 10 में से 8 जाएगा 2 और फिर 12 में से 4 जाएगा 8 फिर 2820 तो यहाँ से p का वैल्यू कितना आ जाएगा 2820 अपॉन 47 ये आ जाएगा ठीक है और इसमें देख लो ये कितना हो जाएगा 476 कितना हो जाएगा 47 इंटू 6 कितना हो जाएगा लास्ट में 2 है ना तो 7 6 42 4
और 6 4 24 और 4 28, हाँ तो 6 टाइम्स में चला जाएगा और लास्ट में जो 0 है वो चिपका देंगे तो पी का वैल्यू कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन क्या है हमारे पास, ऑप्शन नंबर डी। तो ये हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 83 का डी, ठीक है 60। ओके अगला सवाल क्या है, क्वेश्चन नंबर 84, इसमें क्या बोल रखा है, इसका वैल्यू निकालना है, 1/15 प्लस 1/35 प्लस 1/, ऐसे 5 टर्म दे रखे हैं। तो इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है कि मैंने 1/15 को ऐसे लिखा, 1/3 माइनस 1/5 ऐसे लिखा, क्योंकि जब तुम इसको सॉल्व करोगे तो एलसीएम लोगे तो एलसीएम तो कितना आ जाएगा, एलसीएम 15 आ जाएगा और ऊपर क्या बनेगा, 5 - 3 तो ऊपर बनेगा 2। तो ऊपर जो 2 बना उसको नलीफाई करने के लिए डिनोमिनेटर में मैंने क्या लिख दिया, 2 लिख दिया, ठीक है। तो उससे तो यहाँ से 1/15 क्रिएट हो जाएगा। उसके बाद जो 1/35 है उसको मैंने क्या लिखा, 1/5 - 1/7 लिखा। 1/5 - 1/7 लिखोगे तो क्या होगा, यहाँ से फिर से एलसीएम लोगे तो ऊपर 7 - 5 बनेगा, तो ऊपर न्यूमरेटर में 2 बनेगा और उस 2 को नलीफाई करने के लिए बाहर 2 ऐसे लिख दिया, तो ऐसे करके सारे टर्म में बन जाएगा। और 1/63 को मैंने लिखा ऐसे करके, 1/7 - 1/9 + 1/9 - 1/11 और प्लस 1/11 - 1/13 ऐसा करके नंबर्स को लिख दिया। तो यहाँ से देखो ये प्लस का 1/5 माइनस का 1/5 कैंसिल होगा, ये सब ऐसे कट पिट जाएगा और लास्ट में क्या बचेगा हमारे पास, ये बचेगा 1/2 बाहर रहे ही और 1/3 - 1/13 ये बच जाएगा। तो ये बन जाएगा हाफ ऑफ, यहाँ एलसीएम ले लो, एलसीएम आ जाएगा 39, यहाँ पर बनेगा 13, यहाँ पर बनेगा 3, तो ये हो जाएगा 10 और अपॉन 39 और एक 2 तो है ही डिनोमिनेटर में, तो 2 से 10 कटेगा 5 टाइम्स में, तो ये क्या बन जाएगा, 5/39। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास, 5/39, जो कि ऑप्शन नंबर ए ही है हमारा, ठीक है। तो 84 का आंसर क्या आ जाएगा, ए। ओके नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला सवाल है हमारे पास 85, जो कि लीनियर इक्वेशन का ही सवाल है। क्या बोल रखा है, 1/5 × ये सब वो सब, तो इसको मुझे सॉल्व करना है और किसका वैल्यू निकालना है, 5x - 1 का, ठीक है। तो सॉल्व करते हैं, तो क्या किया कि सबसे पहले तो मल्टीप्लाई कर दिया, तो हो जाएगा 1/15x और माइनस ये कितना हो जाएगा, माइनस का 1 आ जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा 1/3 को मल्टीप्लाई कर दिया 1 - 1/3x। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, x वाले टर्म को एक तरफ ले आओ, ये हो जाएगा 1/15x प्लस 1/3x और माइनस 1 उधर ले जाएंगे तो ये बन जाएगा 2। अब एलसीएम ले लिया, एलसीएम आ जाएगा 5x, तो यहाँ से क्या बनेगा, 3 बनेगा, तो यहाँ पर बन जाएगा 3 प्लस यहाँ पर क्या बनेगा, सॉरी एलसीएम 15 आएगा ना, तो यहाँ पर अगर एलसीएम 15 आएगा तो एलसीएम 15 × x आएगा, तो यहाँ से बन जाएगा 1 आ जाएगा प्लस यहाँ से 5 बनेगा और यहाँ से आ जाएगा 2, तो ये बन जाएगा 6/15x और इजिकल टू 2 बनेगा। तो यहाँ से ये जो है 3 टाइम्स में कटेगा, 3 2 जा और 3 5 जा और ये 2 और ये 2 कटेगा, तो यहाँ से 5x = 1 आ जाएगा। तो मेरे से क्या पूछा है, 5x - 1 का वैल्यू, तो वो कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा, ठीक है। तो 5x - 1 का वैल्यू कितना आ जाएगा, 0, विच इज़ ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 85। अगला सवाल क्या है, क्वेश्चन नंबर 86 में क्या बोल रखा है कि ये एक्सप्रेशन का वैल्यू निकालना है, क्या किसका, 1 - 1/3। तो इसको क्या किया कि सॉल्व कर लिया, ये क्या बन जाएगा, 2/3, ये उसी प्रकार से बन जाएगा 3/4, ये क्या बन जाएगा, 4/5 और ऐसे चलते 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 जो लास्ट में टर्म बनेगा वो क्या बनेगा, n - 1/n और इसके जस्ट पहला वाला टर्म क्या बनेगा, न्यूमरेटर में देखो पहले 2 है, फिर बाद वाले नंबर में 3 है, फिर 4 है, फिर 5 है, तो ऐसे करके न्यूमरेटर बढ़ रहा है और डिनोमिनेटर जो है वो न्यूमरेटर में एक ज़्यादा है। मतलब इसका अगर मैं बात करूँ तो अगर ऊपर 2 है तो नीचे 3 है, ऊपर 3 है तो नीचे 4 है, तो ऐसे ही अगर इसके पहला वाला टर्म में तो न्यूमरेटर से एक कम कितना जाएगा, n - 1 से एक कम n - 2 होगा और डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा, इससे एक ज़्यादा यानी कि n - 1 ऐसा करके चलेगा। तो अब क्या होगा, देखो ये तीन कटेगा, ये चार कटेगा, ऐसे सब कट पिट के लास्ट में क्या बचेगा, यहाँ पर तो 2 बच जाएगा ऊपर और नीचे यहाँ पर क्या बच जाएगा, n बच जाएगा, तो ऊपर 2 नीचे n, तो आंसर क्या हो जाएगा, 2/n। तो इसका कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर 2, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा 86 का ऑप्शन नंबर बी। ओके तो अगला सवाल क्या है, अगला सवाल भी लीनियर इक्वेशन का ही है, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं, क्या दे रखा है, x + 3/3 - x - 2/2 = 1। सिंपली एलसीएम ले लो, तो एलसीएम लेंगे तो एलसीएम कितना आएगा, एलसीएम 6 आएगा और ये 2 ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2x + 6 माइनस यहाँ से 6 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा, तो ये हो जाएगा 3x + 3 को ये 6 आ जाएगा, यहाँ पर 1 आ जाएगा। अब यहाँ पे क्या कर लिया, इसको सॉल्व कर लिया, सिंप्लीफाई कर लिया, -x + 12
ट्वेल्व अपॉन सिक्स इज इक्वल टू वन, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया तो माइनस एक्स प्लस ट्वेल्व इज इक्वल टू सिक्स, तो यहाँ से x का वैल्यू कितना आ जाएगा, सिक्स आ जाएगा। लेकिन तुमको x का वैल्यू नहीं निकालना है, तुमको किसका वैल्यू निकालना है, p का वैल्यू निकालना है। अगर वन अपॉन एक्स प्लस p किसके बराबर है, वन के बराबर है, ठीक है। तो वन अपॉन x यानी वन अपॉन सिक्स x का वैल्यू रख दिया प्लस p इज इक्वल टू वन, तो यहाँ से p का वैल्यू कितना आ जाएगा, वन माइनस वन अपॉन सिक्स, तो इसका कितना आ जाएगा, ये फाइव बाई सिक्स। तो p का वैल्यू पूछा था, तो p का वैल्यू कितना आ गया, फाइव बाई सिक्स। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन मैच कर जाएगा, ऑप्शन नंबर ए मैच कर जाएगा, विच इज़ गिवेन एज फाइव बाई सिक्स, ठीक है। तो 87 का आ जाएगा फाइव बाई सिक्स। ओके, अगला आगे बढ़ते हैं। ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला सवाल है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 89, जिसमें क्या बोला है, सब्ट्रैक्ट दिस फ्रॉम दिस, ठीक है। तो मतलब इससे घटाना है इसको, तो ये पहले आएगा, यानी कि 5x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 9, इससे घटाना है किसको, माइनस 3x स्क्वायर माइनस 5x और प्लस 7, इसको घटाना है, ठीक है। तो ऐसे लिख लिया, तो अब इसको देख लो, ये माइनस ओपन होगा तो ये क्या हो जाएगा, 5x स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर क्या बनेगा, 2x स्क्वायर बनेगा, माइनस का 7x और ये माइनस इंटू माइनस प्लस का 5x, तो माइनस का 7x प्लस का 5x क्या बनेगा, माइनस का 2x और प्लस का 9 और माइनस का 7, ये क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा प्लस का, तो ये आंसर क्या आ जाएगा, 2x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2, विच इज ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। सिंपल है, ज़्यादा दिक्कत होनी नहीं चाहिए इसमें। तो अगला सवाल क्या है, क्वेश्चन नंबर 90, 136 into 107, इसको क्या है कि इसको डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर सकते हैं अगर आंसर ही निकालना है तो, पर यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग लगा देंगे क्या, कि 136 को लिख दिया 100 प्लस 36, थोड़ा सा मल्टीप्लिकेशन आसान हो जाएगा, और 107 को लिख लिया 100 प्लस 7, ठीक है, ऐसे लिख लिया। तो यहाँ से अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ तो इसको मल्टीप्लाई कर दो, तो 100 इंटू 100 क्या हो जाएगा, 10,000 हो जाएगा, प्लस 100 इंटू 7 हो जाएगा 700, और 36 इंटू 100 हो जाएगा 3600, और प्लस 36 को 7 से मल्टीप्लाई करो कितना आ जाएगा, 7 6 42 और 4 कैरी आएगा, और 21 प्लस 4 कितना आ जाएगा, 252, ये आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। अब इसको ऐड कर लो तो ये हो जाएगा 10,000 और ये कितना हो जाएगा मिलके 4300, सही है ना, हाँ। तो ये हो जाएगा 10,000 14300 और ये हो जाएगा 252, तो इसको ऐड कर लो तो लास्ट में तो आ जाएगा 52 और ये हो जाएगा 325 और 14552, यानी कौन सा ऑप्शन मैच कर जाएगा, ऑप्शन ए। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। डायरेक्टली मल्टीप्लाई भी कर ही सकते हैं, पर मेरे को पता है फॉर्मूला, x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी का फॉर्मूला पता है, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए भी होता है, तो अगर थोड़ा सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे तो थोड़ा सा कैलकुलेशन आसान होगा, बाकी डायरेक्टली मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ओके, नाउ अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 91, तो 91 हमारा सवाल है, वो क्या बोल रहा है कि सिंपली डिवीजन का सवाल है, क्या है, 1.44 डिवाइडेड बाई 1.2, इसका वैल्यू पूछा है क्या होगा, तो पॉइंट हटाओ, तो न्यूमरेटर से अगर पॉइंट हटेगा तो ऊपर में दो डिजिट के बाद डेसिमल पॉइंट बैठा है, तो अगर ऊपर से मैंने पॉइंट हटाया तो नीचे दो जीरो आएगा, और नीचे 1.2 है, तो यहाँ से अगर मैंने डेसिमल पॉइंट हटाया तो ऊपर एक ही प्लेस के बाद था तो एक ही जीरो आएगा, तो यहाँ से ये एक जीरो कटेगा, 12 से 144 12 टाइम्स में कटेगा, तो ऊपर क्या बनेगा 12, नीचे बनेगा 10, और फिर से ये 1 पॉइंट कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 1.2, विच इज़ ऑप्शन नंबर बी। तो 91 का ऑप्शन क्या आ जाएगा हमारे पास, बी। ओके, क्वेश्चन नंबर 92 है हमारा अगला सवाल, इसमें क्या बोला है, सॉल्व फॉर एक्स ये दे रखा है, तो इसमें सॉल्व किया तो ये आ जाएगा 3 इंटू एक्स प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स, और ये तो पहला हो गया, और इंटू क्या है 5 होल 1 बाई 4, तो 5 4 जा 20, 21 अपॉन 4 ये आ जाएगा, और इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 7 2 जा 32 और प्लस 35 बाई 2 ये आ जाएगा, ठीक है। तो अब क्या किया कि इसको कुछ काटा पिटी कर दिया, देखो यहाँ पे 2 से ये 4 कैंसिल होगा, 2 टाइम यहाँ पे 2 बचेगा, और 7 3 जा 21 और यहाँ पर क्या बचेगा 7 5 जा, तो यहाँ पर क्या बचा 3, यहाँ पे 2 3 बाई 2 और यहाँ पे क्या बचा 3x प्लस 1 अपॉन x और इज इक्वल्स यहाँ पर क्या बचा ऊपर 5 बचा नीचे, अच्छा नीचे तो कुछ बचा ही नहीं, नीचे तो कट गया, ठीक है, तो इसको हटाओ, तो यहाँ पर सिर्फ 5 बचा। तो अब क्या किया कि इसको 3 को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया और 2x को उधर लेके चले गए, तो यहाँ बन जाएगा 9x प्लस 3 और 2x इंटू 5 क्या बन जाएगा 10x बन जाएगा, तो यहाँ से 9x को उधर ले जाओ, तो यहाँ से 3 बराबर क्या आ जाएगा 10x माइनस 9x जो कि क्या बन जाएगा x बन जाएगा, तो x का वैल्यू कितना आ रहा है 3 आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर ये जो थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक है ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा, इसको यहाँ पर 3 कर लो, ठीक है, यहाँ पर 92 का क्या आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ओके, तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल क्या है क्वेश्चन नंबर 93 में क्या बोला है कि 93 में एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का वैल्यू दे रखा है 38 और यहाँ पर बोला फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स, तो मैंने क्या किया कि एक्स स्क्वायर प्लस
वन अपॉन एक्स स्क्वायर को ऐसे लिख लिया, ए माइनस बी का होल स्क्वायर बना लिया, तो ये हो जाएगा एक्स माइनस वन अपॉन एक्स का होल स्क्वायर। तो यहाँ से क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर आएगा और माइनस का टू ए बी आएगा। तो माइनस का टू ए बी मतलब माइनस टू इंटू एक्स इंटू वन अपॉन एक्स, तो वो तो माइनस टू बनेगा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, प्लस टू कर दिया। तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या है बराबर, या फिर ऐसा देख लो कि ए प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को क्या लिख लिया, ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस का टू ए बी, और ए बी मतलब एक्स इंटू वन बाई एक्स, वो एक्स और एक्स कैंसिल हो जाएगा तो सिर्फ टू बच जाएगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर का वैल्यू कितना देगा, 38, ठीक है 38 लिख दिया, और यहाँ पर आ जाएगा एक्स माइनस वन अपॉन एक्स का होल स्क्वायर प्लस टू, तो टू को इधर ले आओ तो हो जाएगा 36, ये हो जाएगा एक्स माइनस वन अपॉन एक्स का होल स्क्वायर। और तुमको एक्स माइनस वन अपॉन एक्स का वैल्यू चाहिए तो क्या करो कि यहाँ पर दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लो, तो एक्स माइनस वन अपॉन एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, रूट 36, ये कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 6, ठीक है। अच्छा अभी स्क्वायर रूट लोगे तो एक प्लस माइनस भी आएगा, एक प्लस 6 आएगा, एक माइनस 6 आएगा, तो माइनस 6 वाला ऑप्शन यहाँ पर है नहीं, तो इसीलिए क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आ जाएगा डी आपका, तो 93 का डी हो जाएगा। अगला सवाल है 94 में क्या है कि 94 में सिंप्लीफाई करना है कि 1/4 की पावर माइनस 2 वगैरह वगैरह ऐसा दे रखा है, ठीक है। तो क्या करो, पावर अगर नेगेटिव में है तो पावर को पॉजिटिव बनाने के लिए क्या है कि नंबर का रेसिप्रोकल, तो हो जाएगा 4 की पावर 2 प्लस ये बन जाएगा 3 की पावर 2, ये तो इस ब्रैकेट में आ जाएगा थर्ड ब्रैकेट में, और डिवाइडेड बाई क्या है, इसको भी क्या लिख दिया, 5 की पावर 2 ऐसे लिख दिया। तो ये क्या बन जाएगा, 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा प्लस ये 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा डिवाइडेड बाई 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा। तो ये हो गया 25 डिवाइडेड बाई 25, तो 25 को 25 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा यहाँ पर, यानी कि ऑप्शन क्या आ जाएगा, बॉम्बे, यानी कि ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। तो 94 का बी आ जाएगा। 95 में क्या बोला है कि 95 में ये बोला है कि द वैल्यू ऑफ 0.9 का बार, ठीक है। 0.9 का बार मतलब है कि यहाँ पर ये बहुत ही बच्चे काफ़ी गलती करते हैं, यहाँ पर जो 0.9 का बार है उसको कैसे लिख सकते हैं, दिस इज़ नथिंग बट 0.9999 ऐसे अनंत तक चलते ही चला जा रहा है, ठीक है। बार का मतलब ये होता है, तो इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल दिया। और इसमें डेसिमल पॉइंट के बाद सिर्फ एक ही डिजिट रिपीट हो रहा है 9, तो क्या किया मैंने दोनों तरफ 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो लेफ्ट हैंड साइड में आ जाएगा 10x और यहाँ पर क्या आ जाएगा 9. एक डेसिमल प्लेस राइट हैंड साइड की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, तो हो जाएगा 9.99999, यानी कि उसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 9 का बार, इसको इक्वेशन नंबर 2 बोल दिया। अब क्या किया कि दो में से पहला वाला इक्वेशन को घटा दिया, तो क्या बन जाएगा लेफ्ट हैंड साइड में 10x माइनस एक्स, और यहाँ पर बन जाएगा 9.9 का बार माइनस 0.9 का बार, ठीक है। ये वाला सेकेंड माइनस फर्स्ट किया है, तो यहाँ से 0.9 का बार 0.9 का बार कैंसिल हो जाएगा, कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा, और 10x माइनस एक्स कितना बन जाएगा 9x बराबर 9, तो यहाँ से x का वैल्यू कितना आ जाएगा 1, और x को क्या माना था 0.9 का बार, तो 0.9 का बार जो है वो क्या है हमारा, इज़ नथिंग बट 1, यानी कि ऑप्शन क्या आ जाएगा यहाँ पे, डी ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। अगला सवाल क्या बोल रखा है, अगला सवाल में बोला है द रेशियो बिटवीन द प्रेजेंट एजेस ऑफ पी एंड क्यू इज 3:4, 4 ईयर्स हेंस क्यू विल बी 5 ईयर्स ओल्डर देन पी, ठीक है। अगर पी और क्यू का प्रेजेंट एज दे रखा है, तो पी का मैंने एज मान लिया 3x है और क्यू का एज मान लिया 4x है, और 4 साल बाद, 4 ईयर हेंस का मतलब 4 साल बाद, तो 4 साल बाद एज क्या हो जाएगा दोनों का, 4 ऐड हो जाएगा। फिर क्या बोला है, क्यू विल बी 5 ईयर्स ओल्डर देन पी, यानी कि क्यू जो है, क्यू का एज माइनस पी का एज, इसके बीच का डिफरेंस कितना होगा, 5 ईयर्स होगा। तो क्यू का एज कितना है 4x प्लस 4 माइनस पी का एज कितना है 3x, और माइनस डायरेक्टली अंदर मल्टीप्लाई कर देते हो 4 हो जाएगा, और इसके बीच का डिफरेंस कितना है 5, तो 4x माइनस 3x विल बी x, और ये x 4 से 4 कैंसिल होगा, तो x बराबर कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। फिर क्या पूछा है, p का प्रेजेंट एज, तो p का एज कितना था 3x, तो 3 इंटू 5 कितना आ जाएगा 15 साल आ जाएगा, तो p का जो प्रेजेंट एज है वो कितना हो जाएगा 15 ईयर्स, तो इसके हिसाब से जो आंसर है वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, ठीक है। तो 96 का आंसर आ जाएगा ए। अगला सवाल है हमारे पास 97 में क्या बोला है कि सिंप्लीफाई करने बोला है, तो सिंप्लीफाई कर लो, अंदर ये जो ब्रैकेट है इसको मल्टीप्लाई कर लो, तो पहला ब्रैकेट से क्या बनेगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर सी स्क्वायर बनेगा, दूसरे ब्रैकेट से बनेगा प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए स्क्वायर, प्लस तीसरे ब्रैकेट से क्या बनेगा, सी स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस
सी स्क्वायर बी स्क्वायर ये बन जाएगा, ठीक है। अब तुम देखो तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर और माइनस का ए स्क्वायर बी स्क्वायर एक ही बात है, तो ये कट पिट जाएगा। माइनस का ए स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर सी स्क्वायर ये भी कट पिट जाएगा, और प्लस का बी स्क्वायर सी स्क्वायर और माइनस का सी स्क्वायर बी स्क्वायर ये भी कट पिट जाएगा। तो ले देके सब कट पिट जाएगा, तो आंसर जीरो आ जाएगा, विच इज़ ऑप्शन नंबर डी। ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा आंसर 97 का डी ऑप्शन। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 98 में क्या बोल रखा है कि सॉल्व ये, यहाँ पर फिर से लीनियर इक्वेशन का सवाल आ गया, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं। तो ये आ जाएगा x प्लस 7/3, ठीक है। तो x का टर्म को एक तरफ ले आओ, तो हो जाएगा x प्लस 7/3 माइनस 3x माइनस 2/5, और ये बराबर कितना आ जाएगा, 1 के बराबर आ जाएगा, ठीक है। अब एलसीएम ले लो, वही काम बार बार कर रहे हैं, तो 15 एलसीएम आ जाएगा 3 और 5 का, और 15 को अगर मैंने 3 से डिवाइड किया तो 5 आ जाएगा, 5 को x प्लस 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 5x प्लस 35 माइनस, फिर 15 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 3 आ जाएगा, 3 को ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा माइनस का 9x, और माइनस माइनस प्लस 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6, और ये आ जाएगा 1, सही है, हाँ सही है। तो ये कितना आ जाएगा, माइनस का 4x, और प्लस ये कितना आ जाएगा 35 प्लस 6 फिर 41, और 15 को उधर लेके गए तो ये 15 आ जाएगा। तो यहाँ से माइनस का 4x कितना आ जाएगा, 15, और माइनस का 41 तो ये कितना आ जाएगा, 11 में से 5 जाएगा तो बचेगा 6 बचेगा, और 3 में से 1 जाएगा तो कितना बच जाएगा, 2 बच जाएगा क्या, ऐसा बच जाएगा। तो यहाँ से और ये माइनस का आएगा, तो ये माइनस का 4x इज इक्वल टू माइनस का 26, तो माइनस से माइनस कटेगा तो x कितना आ जाएगा, 26/4 यानी कि 13/2 कितना रही है, 13/2, तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, 13/2 मतलब कौन सा, 12×1=13, हाँ ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा, 6.5, ठीक है, ऐसा करके आ जाएगा। तो 98 का हमारा आंसर हो जाएगा सी, ये भी सॉल्व हो गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला जो दो सवाल है 99 and 100, तो अगला सवाल क्या है, क्वेश्चन नंबर 99 में फाइंड द वैल्यू ऑफ 38 का स्क्वायर माइनस 22 का स्क्वायर अपॉन 16, ये दे रखा है, तो इसमें वैल्यू निकाल लिया। तो सिंपली यहाँ पर दिख रहा है, जैसे ही देखा 38 का स्क्वायर माइनस समथिंग का स्क्वायर माइनस समथिंग का स्क्वायर, देखते ही क्या खोपड़ी में आना चाहिए कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ए प्लस बी, तो 38 प्लस 22, और यहाँ पर क्या जाएगा 38 माइनस का 22 और डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा 16, तो यहाँ पर सॉल्व कर लो, 38 प्लस 22 कितना आ जाएगा 40, 50, 60, 60, और ये कितना आ जाएगा 8 में से 2 जाएगा 6, 3 में से 2 जाएगा 1/16, तो ये 16 से 16 कटेगा, तो ले देके 60 आंसर आ जाएगा। तो इसमें देख लो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी, तो 99 का ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा, ठीक है। ओके, नाउ आज का हमारा आइए आखिरी सवाल है क्वेश्चन नंबर 100, तो क्या बोल रखा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस 4^-1, पावर अगर नेगेटिव है तो पावर नेगेटिव मतलब वो खुद का नंबर का क्या होता है, रेसिप्रोकल होता है, 1/4, ये हो जाएगा 1/3, और 1/6^2 यानी कि 36, इसका मेरे को क्या चाहिए, इसी का रेसिप्रोकल चाहिए। तो पहले इसको सॉल्व कर लेंगे, इसको सॉल्व करने के बाद जो आएगा उसको पलट देंगे, ठीक है। तो उसको सॉल्व कर लिया, तो इन तीनों का एलसीएम ले लिया जाएगा, 36 एलसीएम आ जाएगा, तो यहाँ पर बनेगा 9 प्लस यहाँ पर बनेगा 12 प्लस यहाँ पर बनेगा 1, तो ये कितना हो गया 10, और ये 22/36 इसका मेरे पास रेसिप्रोकल है, ये हो जाएगा 11/18 इसका रेसिप्रोकल है, तो ये बनेगा हमारे पास 18/11, तो 18/11 देख लो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी, तो इसका भी जो है आंसर कितना आ जाएगा, बी आ जाएगा। तो ये रहे हमारे आज के जो PTRE के क्लास 7 के 50 क्वेश्चन मैथ्स के, आई होप यू लाइक इट, थैंक यू।